मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप भी गुलाब की कटिंग लगाना चाहते हैं? इवन कि आप गुलाब के कलम लगाना चाहते हैं, और आपकी गुलाब जब भी कटिंग आप लगाते हैं तो वो चल नहीं पाती है या फिर सक्सेसफुली नहीं हो पाती है। दोस्तों, आप इस वीडियो पे बने रहें, पूरी अपडेट में आपको दिखाऊंगा कि गुलाब की कटिंग आप किस तरह से लगा सकते हैं। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान मेथड्स जो बताऊंगा और पूरी अपडेट के साथ होगी। मतलब कलम कटिंग लगाने से लेकर पूरे रूट डेवलपमेंट तक पूरी अपडेट में आपको इस वीडियो पे दिखाऊंगा, जो कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसानी से आप अपने घर पर गुलाब की कटिंग को प्रोपोगेट कर सकते हैं। अगले इस वीडियो को बिना स्किप किए देखे दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले ध्यान रखनी है दोस्तों, जब भी हम गुलाब की कटिंग लगाते हैं तो जो हम कटिंग चुनेंगे, जो कटिंग का चुनाव करेंगे, वो पेल्सिन की थिकनेस की मोटाई हो। पेल्सिन जितनी मोटी होती है उतनी मोटी ही हमें लेनी है। और ध्यान रहे, वो जो स्टैम्प आप ले रहे हैं वो अच्छी तरह से मैच्योर हो, मतलब एक साल पुरानी हो, ज़्यादा ग्रीन भी ना हो और ज़्यादा जो ब्राउन टाइप हो जाती है उस टाइप का आपको स्टैम्प को चुनाव नहीं लेनी है। जो भी कलम आप ले इस तरह से, अगर आप इस तरह से आप देख सकते हैं, अगर इस तरह की कलम लेंगे तब भी ये चल सकती है, अदरवाइज आप एक कलम, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरह से कलम आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से प्रॉटचिंग हो रही है क्योंकि नई सूट्स यहाँ निकल रही है, और इस तरह की सूट जिस स्टैम्प पे निकल रही है, अगर इस तरह की स्टैम्प आप चुनाव करते हैं तो दोस्तों इस तरह की जो कलम होती है वो जल्दी लगने की संभावना जो होती है वो बढ़ जाती है। तो ध्यान रहे, इस तरह की कलम अगर आप लेंगे, पेल्सिन की थिकनेस की मोटाई, और ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये है, लगभग यहाँ से आप कट कर ले। चलिए फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आपको कट करनी है। कट करते समय ध्यान रखने, आपके जो कटर है वो बिल्कुल शार्प कट हो, मतलब जब हम कटिंग करते हैं तो वो बिल्कुल शार्प हो, साफ कटिंग हो। चलिए अभी ये आप देख सकते हैं, इस कलम को हम कट कर ले रहे हैं। जो भी कलम आप चुनाव करते हैं आप ध्यान से देखें, उस कलम में नई सूट्स निकलती है, ये आप देख सकते हैं, ये पेल्सिन की थिकनेस की मोटाई है। दोस्तों इस तरह की कलम आपको लेनी है, और अब हम इसे यहाँ से कट कर देंगे, और लगभग 5 इंच कलम हम लेंगे। जब भी गुलाब की कटिंग आपको लेनी है 5 इंच, और आप देख सकते हैं नोड एरिया में नई नई सूट्स निकल रही है, ध्यान से देखें, यहाँ से हम कट कर लेंगे, लगभग 5 इंच लंबाई हम लेंगे कलम को इस तरह से, ये आप देख सकते हैं नोड एरिया में एक नई सूट्स निकल रही है। अगर आप कटिंग लगाते इस तरह की नई सूट्स जब निकलती है, वो उस तरह की कलम अगर आप लेंगे, बहुत ही जल्दी वो सक्सेसफुली होती है। दोस्तों चलिए अब यहाँ हम बिल्कुल तिरछी कटिंग करेंगे, जो हम 45 डिग्री कट करते हैं, तो इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह की शार्प कटिंग करनी है आपको, बिल्कुल शार्प। तो अगर आपके पास कटर ना हो तो आप ब्लेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तेज ब्लेड, लेकिन जब भी दोस्तों ब्लेड का इस्तेमाल करें बहुत ही सावधानी से आपको करनी है। इस तरह से आप देख सकते हैं किस तरह से हमने तिरछी कटिंग की है, बिल्कुल शार्प कटिंग होनी चाहिए। और अब हम ये मीडिया कोकोपीट इसमें भरने वाले हैं, ये ड्रेन होल आपको बनाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, और ये डिस्पोजेबल ग्लास जो हमारे प्लास्टिक की होती है उस पर बहुत अच्छी आपको रिजल्ट मिल जाएगी। और इस तरह से हम कोकोपीट भर लेंगे, सिर्फ हम कोकोपीट ही ले रहे हैं, इसमें किसी तरह का मिट्टी और ना किसी तरह का खाद हम इसमें ऐड किए हैं। इस तरह से किसी स्टिक से पहले होल बना लें, जो कि हम कलम इसमें अभी लगाने वाले हैं, लगभग 3 इंच हम इसे डीप करेंगे अपने कलम को। तो ये सिर्फ हमने कोकोपीट भरा हुआ है, और हल्के हल्के सभी में हमने होल बनाया हुआ है। और अब हम लेंगे एलोवेरा की जेल। दोस्तों एलोवेरा की जेल जो होती है वो एक ऑर्गेनिक रूट हार्मोन होती है, इससे जब हम कटिंग वाले एरिया में लगाते हैं तो उस पर बहुत ही जल्दी रूट डेवलप जो होती है वो संभावना बढ़ जाती है, मतलब जड़ निकलने की जो संभावना होती है वो काफ़ी तेज़ी से हो जाती है। तो आप ये एलोवेरा की जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर दालचीनी, और अगर आपके पास रूट हार्मोन है दोस्तों तो आप रूट हार्मोन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रूट हार्मोन में भी काफ़ी अच्छी रिजल्ट मिलती है, बहुत ही ज़बरदस्त उस पर भी रिजल्ट मिलेगी। अदरवाइज अगर आपके पास नहीं है तो आप इस एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। इस तरह से हमें कटिंग वाले एरिया को डीप करनी है, और धीरे धीरे इस तरह से हम लगाते जाएंगे, ध्यान से देखनी है दोस्तों। इस तरह से हल्के हल्के हम प्रेस करेंगे, और अच्छी तरह से हम वाटरिंग करके इसे हम शेड वाले एरिया में रखेंगे, जहाँ चारों तरफ से ठंडक हो, हवा आता जाता हो, ऐसी जगह पे हमें चुनाव करनी है, या फिर किसी पेड़ पौधे जो होते हैं उसके नीचे अगर हम छांव के पास रखते हैं और चारों तरफ से हवा आनी चाहिए, खुली जगह होनी चाहिए, ब्राइट लाइट होनी चाहिए, धूप वाली जगह पे आपको नहीं रखनी है, ये आपको बात ध्यान रखनी है। तो
बिल्कुल शेड वाले एरिया में ब्राइट लाइट और हवादार होनी चाहिए। अब इस तरह से हम नीचे वाले एरिया में हमने कोकोपीट डाला और इस तरह से गिलास को हम सेट करेंगे। पहले हमने इस बर्तन के नीचे कोकोपीट एक लेयर हमने डाला हुआ है, उसके बाद ये ग्लास को हमने सेट किया। अब चारों तरफ से इस तरह की कोकोपीट हम भर देंगे। दोस्तों ये कोकोपीट इसके आसपास एक नमी, एक ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट करेगी जो कि इसके जो कलम होगी वो बहुत ही जल्दी जड़ निकलने की जो रेट, सक्सेस रेट होती है वो बहुत ही जल्दी बढ़ जाती है। तो इस तरह से चारों तरफ से हम कोकोपीट भर देंगे और बीच बीच में आपको वाटरिंग करनी है बिल्कुल पतली सावर से। ध्यान रहे दोस्तों, जब वाटरिंग करें तो अब ये कलम जो होती है वो हिलनी नहीं चाहिए। कलम जब हम सेट कर लेते हैं और उसके बाद वाटरिंग आपको बहुत ही सेफ से करनी है। कलम अगर आपको हिलते हैं तो वो कलम जो है सक्सेसफुली नहीं होगी, वो ख़राब हो जाएगी। ये शूट्स को हमने हटा दी है और अच्छे से हम वाटरिंग करेंगे। और अब दोस्तों इसे हम सीढ़ी वाले एरिया में रखेंगे और आगे के रिजल्ट देखने के लिए हम मिलते हैं कुछ दिन बाद। आप कंटिन्यू रहें दोस्तों। आफ्टर 15 डे दोस्तों 15 दिन की बाद की रिजल्ट है और आप देख सकते हैं सभी भी नई शूट्स निकल चुकी है, किसी में पत्तियां भी निकल चुकी है। ये आप देख सकते हैं हमारे गुलाब की जो कटिंग है वो बिल्कुल सक्सेसफुली हो चुकी है। सभी में शूट्स आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही तेज़ी से ये हमारे प्लांट की जो है ग्रोथ स्टार्ट हुई है। और आगे के रिजल्ट देखने के लिए हमें कुछ और वेट करनी चाहिए। ये शूट्स आप देख सकते हैं हमने जो कट किया हुआ था, अब उसके ऊपर से ये शूट्स निकल चुकी है। ये आप देख सकते हैं यहाँ जो हमने कट किया हुआ था, अब यहाँ से एक नई शूट स्टार्ट हो चुकी है। तो बहुत ध्यान से आपको पानी देनी है। कटिंग जो कलम है हमारी वो हिलनी नहीं चाहिए, ये आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। जब हम कलम को एक बार सेट कर देते हैं तब उस कटिंग को हिलनी नहीं चाहिए, नहीं तो वो कटिंग हमारी फेल हो जाएगी। चलिए और आगे के रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं कुछ दिन बाद। अपने 25 दिन के बाद मिल रहे हैं और आप देख सकते हैं ऊपर से सभी की ग्रोथ जो है निकल चुकी है। चलिए मैं आपको सामने से दिखाता हूँ। और दोस्तों आई थिंक कि इस पर अब अच्छी तरह से रूट डेवलप हो चुका होगा। चलिए हम इसे बिल्कुल अच्छी तरह से वाश करके देखेंगे और इसकी रूट कितनी अच्छी से डेवलप किया हुआ है। अभी आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ इसकी बर्ड भी आ चुकी है, मतलब इतनी फास्ट ग्रोथ है। अगर हम कोकोपीट में लगाते हैं तो अच्छी रिजल्ट हमें देखने को मिलती है। दोस्तों ये कटिंग हमारी आप ये देख सकते हैं, ये हमारी बिल्कुल फेल हो चुकी है। कोई लापरवाही हमारी हुई है तभी ये कटिंग हमारी फेल हुई है। मुझे लगता है जब हम वाटरिंग करते हैं तब हम जो सावर देते हैं उस समय हम ध्यान नहीं रखते हैं, जिसके कारण कटिंग हिल जाती है। और ये ध्यान रखें दोस्तों, जब भी आप पानी देते हैं तो कटिंग हमारी हिलनी नहीं चाहिए। जब हम कटिंग एक बार सेट करते हैं तब आप उसे पानी देते समय बहुत ध्यान देनी है, बिल्कुल पतले सावर के माध्यम से आपको देनी है ताकि हमारी कटिंग हिले ना। ये आप देख सकते हैं यहाँ इसकी एक बर्ड आ चुकी है दोस्तों, तो बहुत ही अच्छी रिजल्ट हमें मिली है कोकोपीट में। और अभी मैं इस बर्ड को आपको खिला के भी दिखाने वाला हूँ इसी वीडियो पे। आप बने रहें, इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरी इन्फॉर्मेशन आप इसे जान के जाएं तभी आप कटिंग लगाएंगे तो मुझे लगता है कि आप आपको अच्छी रिजल्ट मिलेगी। ये आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त इसकी वाइट रूट काफ़ी अच्छे से बाउंड हो रहे हैं, मतलब आप देख सकते हैं कितनी डेवलप हो चुकी है। और इतनी रूट जब निकल जाए दोस्तों तो यकीन मानिए आपके पौधे कभी फेल नहीं होने वाले हैं। जब आप किसी गमले में आप इसे शिफ्ट करेंगे, वाइट रूट कितनी ज़बरदस्त हुई है। कोकोपीट में काफ़ी अच्छी मीडिया है दोस्तों कटिंग लगाने के लिए। इस पर एक आइडियल टेम्परेचर, एक ऐसी इन्वायरमेंट बनती है जो कि कटिंग के लिए बहुत ही सक्सेसफुली होती है, मतलब इनके मुताबिक होती है। बस आपको ध्यान देनी है जब आपको वाटरिंग करनी है तो ध्यान में आपको रखनी है जब कोकोपीट पूरी अच्छी तरह से सूख जाए तभी आपको पानी देनी है, क्योंकि अगर आप ओवर वाटरिंग करेंगे तो आपके कटिंग जो है वो गल भी सकती है। तो आपको ये ध्यान रखनी है। ये आप देख सकते हैं सभी में रूट डेवलपमेंट बहुत ही ज़बरदस्त और एक अमेजिंग रिजल्ट मिली है, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। और मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। सो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक आप ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरी होती है। तो सपोर्ट के तौर पे आप एक लाइक दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए होंगे दोस्तों तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके साथ टाइम टू टाइम जो होगी वो लाता रहूँगा। ये आप देख सकते हैं इसकी भी कटिंग, और चलिए इसे भी निकाल के हम देखते हैं। ये पूरी फाइल हो चुकी है दोस्तों, ये वही कटिंग है जो हमने आपको पहले दिखाया हुआ था। यह यहाँ से पूरी जो है गल चुकी है, ओवर पार्टिंग या फिर कटिंग का हिलना,
दो ही कारण हो सकता है ये हमारे कटिंग फेल होने की। कोकोपीट आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इस पर मॉइस्ट है। दोस्तों इस तरह की वीडियो बनाने के लिए मुझे काफ़ी पेशेंस रखनी होती है और काफ़ी दिनों तक वेट करना होता है, मतलब एक वीडियो बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है। तो आपके लिए मैं इस तरह की वीडियो इसलिए लाता हूँ ताकि आपके लिए भी ये यूजफुल हो, हेल्पफुल हो। तो आपका प्यार मुझ पर बने रहे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, अपने फेसबुक पेज पे भी आप इसे शेयर कर सकते हैं ताकि लोग कटिंग लगाने के लिए इस तरह से यूज कर सके। ये आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त इसकी रूट बनी हुई है। इतनी जब रूट बन जाती है तो आपके प्लांट जो है कभी मरने वाले नहीं हैं जब आप शिफ्ट करते हैं। बस ध्यान रखने हैं दोस्तों, जब शिफ्ट करते हैं, जब आप ये कटिंग जब आप किसी गमले में अभी प्लांटेशन करेंगे, प्लांटेशन करने के बाद लगभग 4 से 5 दिन आपको बिल्कुल शेडी वाले एरिया में रखनी है और बिल्कुल ब्राइट वाली लाइट में ही रखनी है। ये आपको मैं बार बार कहता हूँ इसलिए कि लोग सोचते हैं कि हम अंधेरे में भी रख देंगे तो चल जाएंगे, ऐसे में हमारी कटिंग जो है वो फेल हो जाएगी। इसलिए ब्राइट लाइट में आप देख के लगा के रख दें और शेड वाले एरिया में रखें। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, इसे मैं निकालना नहीं चाह रहा था क्योंकि इसमें बर्ड आई हुई थी, तो फिर भी आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त और कितनी तेज़ी से इसकी रूट बनी हुई है। अभी मैं इसे फिर से लगाऊंगा, ये आप देख सकते हैं कटिंग बहुत अच्छी रिजल्ट, बहुत ही अच्छे रिजल्ट, और शायद आपको भी पसंद आई होगी। आप अपने कमेंट्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। चलिए मैं इसे 5 इंच के गमले में शिफ्ट करके आपको दिखाऊंगा और जो वो बर्ड लगी हुई है वो भी मैं आपको खिला के दिखाऊंगा। सॉइल मीडिया मैंने ली है बिल्कुल साधारण मिट्टी, इसमें किसी तरह का कंपोस्ट कोई खाद हमने ऐड नहीं की है क्योंकि प्लांटेशन करने समय कटिंग जब लगती है तो उस समय खाद की ज़रूरत नहीं होती है। अब चलिए आधे मिट्टी को हमने फिल किया हुआ ये आप देख सकते हैं, और अच्छे से हम इसे 4 से 5 इंच हम इसे डिप करके चारों तरफ से मिट्टी को फिल करेंगे। और अब हम इसे दोस्तों अच्छे से वाटिंग करेंगे और रखेंगे शेड वाली एरिए में और वेट करेंगे कब तक ये बर्ड खिलते हैं। तो चलिए दोस्तों वेट करते हैं, कुछ दिन बाद मिलते हैं। 42 दिन बाद दोस्तों, और आप देख सकते हैं बर्ड जो है वो खूबसूरत गुलाब में खिल चुकी है। तो देख सकते हैं दोस्तों, मैंने काफ़ी अच्छे डिटेल अच्छे से वीडियो बनाने की कोशिश की है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू।